दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के ग्रैंड फिनाले की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और करण जौहर ने घर के पांचों फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट के सामने एक ऐसा ऑफर रखा है जिसे देखकर घर के सभी कंटेस्टेंट काफी कंफ्यूज है और सोच विचार में पड़ चुके हैं कि आखिर अब करे तो करे क्या। क्योंकि दोस्तों करण जौहर ने घर वालों के सामने ऑफर ही ऐसा रखा है। आपको बता दें कि करण जौहर ने घर के अंदर बचे पांचों फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट यानी कि निशांत भट्ट, प्रतीक सहजपाल, दिव्या शमिता और राकेश बाबट के सामने सूटकेस वाली मनी रख दी है, यानी कि पैसों से भरा सूटकेस रख दिया है और साथ ही साथ उनको यह ऑफर दिया गया है कि इस प्राइज मनी को जो उठाकर अपने साथ घर से लेकर जाएगा वो बिग बॉस ओटीटी की रेस से बाहर हो जाएगा, यानी कि वो ट्रॉफी नहीं जीत पाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे बढ़िया गोल्डन चांस ये होगा कि उसको सीजन 15 के घर के अंदर सीधे सीधे एंट्री मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों साफ शब्दों में कहें तो सूटकेस को उठाने वाले कंटेस्टेंट को पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन वो बिग बॉस ओटीटी सीजन की ट्रॉफी से चूक जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बिग बॉस के सीजन 15 का वो कंफर्म कंटेस्टेंट बन जाएगा, यानी कि उसे सीधे सीधे सीजन 15 के घर के अंदर एंट्री मिल जाएगी। जहां तक दोस्तों सुनने में आ रहा है, प्रतीक सहजपाल ने वो सूटकेस से भरा बैग उठा लिया है और सीजन 15 के कंफर्म कंटेस्टेंट बन चुके हैं। हालांकि दोस्तों इस खबर पर अभी तक कंफर्मेशन रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है कि प्रतीक सहजपाल ने सूटकेस उठा लिया है। फिलहाल दोस्तों प्रतीक का ये फैसला आपको कैसा लगा कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बिग बॉस ओटीटी की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।